ये कहानी एलियन 4 सीरीज के खत्म होने के बाद की कहानी है और इसकी पहला एपिसोड में हमें देखने को मिलती है न्यूज वाले और न्यूज वाले बेन टेनिसन की पूरी पोल खोल देता है और इसी में केविन कहता है तुम्हारी पोल अब खुल चुकी है। बेन टेनिसन यहाँ पर शॉक में आ जाता है। सब लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि बेन टेनिसन वही इंसान है जो अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन टेनिसन के घर के आसपास न्यूज वाले आ चुके होते हैं और न्यूज वाले से बच के वो निकल तो जाता है। कुछ टाइम के लिए जूली के पास बेन टेनिसन रहता है। केविन 11 इतने वक्त में वही चीज पता लगाता है कि बेन टेनिसन की पोल खोलने वाला किसका हाथ है। केविन 11 बेन टेनिसन के पास जाके सब कुछ बता देता है। बेन टेनिसन केविन और गोइन मिलके उस इंसान को सबक सिखाने उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सारा कुछ पोल खोलने वाला एक बच्चा होता है 10 साल का। उस बच्चे को बेन टेनिसन छोड़ देता है, कुछ नहीं करता, लेकिन उस बच्चे की वजह से एक चीज उन्हें पता चलती है कि किसी एक एलियन वहां पर क्राइम कर रहा है। वो एलियन नासा की रॉकेट की पार्ट पुर्जा चुरा रहा होता है और वो देखते हुए बेन टेनिसन उसे रोकने के लिए अपने टीम के साथ चला जाता है, लेकिन वहां पर बेन टेनिसन उसे रोक नहीं पाता। वो एलियन अब नासा की एक सबसे बड़ा इंजन को लेकर जा रहा होता है। बेन टेनिसन उसे रोकने के लिए हर बार ट्राई करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता और वो इंजन लेके वहाँ से फरार हो जाता है। वो एलियन उस इंजन को लेके पानी के नीचे जाता है और वो अपनी एक रॉकेट को तैयार कर रहा होता है। बेन टेनिसन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम ये सब मत करो। बेन टेनिसन फिर से उसके साथ फायर करता है, लेकिन यहाँ पर भी हारने वाला होता है। तभी बेन टेनिसन अपने एलियंस की अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के यूज करते हुए उस एलियंस को वहाँ पर बुरी तरीके से हरा देता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी अपनी वेब की यूज करते हुए उस एलियंस को वहाँ पर लटका देता है। बेन टेनिसन अब उसके बारे में कुछ पूछने लगता है और वो बताता है कि मेरा नाम है बेलवेलियर और मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की छोटे से प्लैनेट से आया हूँ। केविन उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर आने की मकसद। वो एलियन कहता है वो बाकी रहे हुए 4 एलियंस अभी अर्थ में फंसे हुए है। बेन टेनिसन एक प्लम्बर को बुलाता है और उस एलियंस को घर पर पहुंचाने के लिए कहता है। वो एलियन अपनी घर के सफर पर निकलता है। बेन टेनिसन अब सब पोल खुल चुकी है और इसीलिए वो अपने स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। सब लोग तारीफ करते हुए देख के वो भी खुश हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाई देती है जो एक प्लम्बर के साथ अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो प्लम्बर नहीं होता, वो एग्रीगर होता है। दूसरे एपिसोड की कहानी शुरू होती है, एक म्यूजियम को देखा जाती है। फॉरएवर नाइट्स की कुछ आदमी आर्मी टैंक को लेके म्यूजियम के आगे पहुंचाते हैं और वो म्यूजियम को उड़ाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर रैत आ जाता है। रैत फॉरएवर नाइट्स को रोक लेता है और वहाँ बक बक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गोइन की कॉल आ जाती है और गोइन उसको बताती है कि जूली का मैच चल रहा है, तुम यहाँ पर आ जाओ। रैत कॉल को रख लेता है, वहाँ पर देखता है कि फॉरएवर नाइट्स आर्मी टैंक को छोड़ के भाग चुके है। रैत उस आर्मी टैंक को टुकड़े टुकड़े करता है और वहाँ से चला जाता है। बेन टेनिसन जूली के मैच खत्म होने के बाद पहुँचता है और इसीलिए सब लोग वहाँ पर उसे गुस्से में होते हैं। सबसे ज्यादा तो गोइन गुस्से में होती है और दूसरी मैच के लिए वो वहाँ पर बैठने के लिए कहती है। बेन टेनिसन को ये भी बता देती है कि अगर तुम इस मैच से चला गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। बेन टेनिसन यहाँ पर फॉरएवर नाइट्स को रोकने के लिए भी जाना था और सुमो स्लैमर की मूवी भी देखने और जूली के मैच भी। ये सब कुछ अकेले वो नहीं कर सकता और इसीलिए चुपके से बाथरूम में जाता है और अपने ओमनीट्रिक्स को यूज करते हुए एक में ट्रांसफॉर्म होता है और वो बेन के रूप में 3 अलग अलग बेन टेनिसन बन जाता है। बेन टेनिसन अब 3 बेन टेनिसन बन चुके हैं। अब वो एक बेन टेनिसन केविन के साथ फॉरएवर नाइट्स के लिए जाता है और दूसरी बेन टेनिसन सुमो स्लैमर देखने और तीसरे बेन टेनिसन गोइन के साथ। बेन टेनिसन को यहाँ पर काम आसान होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक गड़बड़ होती है कि बेन टेनिसन की 3 अलग अलग रूप होते हैं, एक गुस्से वाला और दूसरे प्यार वाला और तीसरे फनी वाला। गुस्से वाला बेन टेनिसन गोइन के पास गया होती है और वो जूली के मैच देख रहा होता, लेकिन वहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कुछ गड़बड़ कर लेता है और दूसरा बेन टेनिसन सुमो स्लैमर देखने के लिए चला जाता है और वो मजे में देख भी रहा होता है। तीसरा बेन टेनिसन जो प्यार की ही बात करता है और वो केविन के साथ गया होता है। दूसरी सीन में हमें फॉरएवर नाइट्स दिखाई देती है। फॉरएवर नाइट्स म्यूजियम पर पहुंच चुके होते हैं। फॉरएवर नाइट्स की हेड किसी एक चीज को लेने के लिए वहां पर आया होता है। बेन टेनिसन और केविन फॉरएवर नाइट्स के सामने पहुंच जाते हैं। केविन 11 बेन टेनिसन को लड़ने के लिए कहता है, लेकिन बेन टेनिसन वहां पर शांत होता है। फॉरएवर नाइट्स के साथ फाइट खेलना बेन टेनिसन नहीं मानता।
ये देख के केविन भी शॉक में आ जाता है। यहाँ पर केविन 11 और बेन टेनिसन और फॉरेवर नाइट्स के बीच में फाइट चलती है। बेन टेनिसन अपनी कंट्रोल में नहीं होता, बेन टेनिसन फॉरेवर नाइट्स को जीत नहीं सकता और वो सभी बेन टेनिसन को आपस में बुला लेता है। जूली के गेम प्ले देख रहा बेन टेनिसन उस गेम प्ले को छोड़ के वहाँ से आ जाता है। दूसरा बेन टेनिसन मजे में सुमो स्लैमर्स देख रहा होता है और उसको भी कॉल आता है कि वापस आ जाओ और वो छोड़ के वहाँ पर वापस आ जाता है और तीन बेन टेनिसन आपस में मिल जाते हैं और वो एकलौता एक बेन टेनिसन बन जाता है। फॉरवर्ड नाइट्स ने एलियन सूट पहना होता है लेकिन उसे एलियन सूट को दबा करते हुए बेन टेनिसन उसे हरा देता है। फॉरवर्ड नाइट्स यहाँ पर हार चुके हैं। दूसरी तरफ जूली और गोयन भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि बेन टेनिसन ने उस टेबल टेनिस मैच को नहीं देखा। जूली इस बात में सहमत भी होती है क्योंकि उसकी मैच ना देख के कुछ लोगों की उसने मदद भी की। हद तो तब हो जाती है कि बेन टेनिसन ने सुमो स्लैमर्स मूवी भी उसी वक्त देख ली। ये बात सुन के जूली तो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे छोड़ के यहाँ से चला जाती है। गोयन और केविन उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते है। यहाँ पर बेन टेनिसन अकेले पड़ता है। ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म और नेक्स्ट एपिसोड की कहानी शुरू होती है। बेन टेनिसन की घर को दिखाया जाता है। बेन टेनिसन की घर के बाहर एक रोबोट लेजर की निशाना लगाते हुए बेन की मॉम को मारने वाला होता है। तभी पीछे से ग्रैंपा मैक्स आते हैं और ग्रैंपा मैक्स कहते हैं, लड़ने का बहुत शौक चढ़ा है तो जरा मुझे भी आजमा कर देख लो। अब इन दोनों के बीच में तगड़ा वाला फाइट होती है। दोनों के फाइट में उस रोबोट को ग्रैंपा मैक्स वहाँ पर हरा देते हैं। उस रोबोट को आसमान की तरफ भेज देते हैं। बेन की मॉम को एक भनक भी नहीं लगता कि वहाँ पर फाइट हो रहा था। दूसरे सीन में ट्रेन के ऊपर ग्वेन टेनिसन बेन और केविन कुछ बदमाशों के साथ फाइट कर रहा होता है। उस सारी बदमाशों को वहाँ पर हरा देता है। जब ट्रेन रुक जाती है वहाँ पर न्यूज वाले आ चुके होते हैं। बेन टेनिसन न्यूज वाले के सामने अपने शो ऑफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंपा मैक्स आ जाते हैं एरोप्लेन में और उन तीनों को लेकर जाते हैं। एरोप्लेन में जाते रास्ते में वो बताते हैं कि तुम्हारे मशहूर होने की वजह से तुम्हारे फैमिली पर प्रभाव पड़ रहा है, तुम्हारा पुराने दुश्मन निकल रहे हैं और इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अभी अभी तुम्हारी मॉम को मैंने अभी अभी बचाई है तो इसीलिए बेन तुम सावधान रहना। बेन ये सुन के गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है सर्कस। सर्कस में क्लैम कैस्टर और विल्कैनस होता है। वो किसी एक लोग को वेटिंग कर रहा होता है और इसलिए वो लोग भी आ जाते हैं और देखते हैं कि वो जोकर होता है और वो तीनों एक प्लान तैयार करते हैं कि बेन टेनिसन की फैमिली को कैसे खत्म करना है। सुबह हो जाती है, बेन की मॉम कुछ एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसकी फादर गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तभी बेन टेनिसन मॉम को पूछता है, मॉम डैड कहाँ जा रहे हैं? तभी भी उसकी मॉम कहती है, पौधों के लिए खाद लेने चले गए हैं। बेन टेनिसन को यहाँ पर लगता है कि कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है, इसीलिए वो बेन टेनिसन और केविन को भी कॉल करता है। बेन की फादर रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उसकी कार में किसी भी कांटे लगा देते हैं जिसकी वजह से उसकी कार में पंचर होती है और वो बाहर निकल कर पंचर देखता है और उसकी ठीक करने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाई देती है क्लैम कैस्टर, विल्कैनस और जोकर। ये कांटे उन तीनों लोगों ने लगाई होती है। अब ये तीन लोगों मिलके बेन की डैड को खत्म करने वाला होते हैं। तभी पीछे से बेन टेनिसन, केविन और गोयन आ जाते हैं और इन तीनों को रोक लेते हैं और इन तीनों को बीच यहाँ तगड़ी वाली फाइट देखने को मिलती है। बेन टेनिसन, गोयन और केविन इन तीनों को काफी बुरी तरीके से हरा देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। इन सभी के बीच में ये हुआ फाइट बेन के डैड को भनक भी नहीं लगता। सीन शिफ्ट होती है, हमें वही तीनों लोग दिखाई देती है, जोम्बी जो विल्कैनस और कैम कैस्टर। जोम्बी जो कहता है, हमें इस बार तो हार लिया लेकिन हमें हारने से कुछ सीख भी मिली। इन लोगों के साथ फाइट करते हुए मुझे एक इन लोगों की कमजोरी मिली, तो अब नेक्स्ट प्लान में हम इसकी पहले दोस्त को खत्म करेंगे और उसके बाद बेन को और इसकी पूरी फैमिली को और इन तीनों मिलके फिर से एक प्लान तैयार करते हैं। फिर से सीन चेंज होता है और हमें बेन की मॉम और गोयन जा रहे होती है। गोयन बेन की मॉम के पास होती है क्योंकि बेन की मॉम को कुछ प्रॉब्लम ना हो सके और इसीलिए वहाँ पर क्राइम कैस्टर भी आ जाते हैं और गोयन और क्राइम कैस्टर के बीच में फाइट होती है। लेकिन बीच में जोम्बो जो पीछे से आता है और गोयन को एक इलेक्ट्रिक शॉट देता है जिसकी वजह से गोयन नीचे गिर जाती है और जोम्बो जो बेन की मॉम को वहाँ पर लेकर चले जाता है। ये सब इन तीनों का प्लान था और तीनों प्लान के मुताबिक कर रहे होते हैं। जब बेन की मॉम को जोम्बो जो लेकर जा चुका है ये बात बेन को पता चलती है
तो बेन यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और क्विन को यहाँ पर कुछ गाली करने लगता है और इन तीनों के बीच यहाँ पर स्पेस भी होता है। लेकिन केविन सबको संभालता है और इन तीनों मिलके फिर बेन की मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बेन को पता होता है कि जॉम्बे जो कहाँ रहता है और इसीलिए सीधे सर्कस पर पहुँच जाते हैं। सर्कस पर तीनों लोग पहुँचने के बाद वहाँ पर क्राइम कास्टर केविन के पीछे पड़ता है और वेलकैनस बेन की। कैम कैस्टर और केविन के बीच में फाइट होती है और बेंटन और वेलकैनस के बीच में, और ग्वेन बेन की मॉम को ढूंढने के लिए जा रही होती है। ग्वेन जोम्बेजो को देखता है कि जोम्बेजो ने बेन की मॉम को वहाँ पर रस्सी में रखा हुआ है। रस्सी ऊपर होता है, रस्सी में अगर बैलेंस ना मिला तो रस्सी से बेन की मॉम नीचे गिर जाएंगे और उसकी मौत निश्चित। तो इसीलिए जोम्बेजो को निकालने के लिए ग्वेन कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। जोम्बेजो ग्वेन को भी वहाँ पर रस्सी में बंधा देता है। कैम कैस्टर और केविन के बीच में फाइट हो रही होती है, तभी केविन 11 कैम कैस्टर को हरा देता है। बेन वेलकैनस को भी हरा देता है और इन दोनों मिलके ग्वेन के पास चले जाती है। ग्वेन वहाँ पर बंधा होती है। ग्वेन कितने बार रिक्वेस्ट करती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। ग्वेन अपनी एनोनाइट फॉर्म में आ जाती है और उसकी रस्सी तोड़ देती है और जोम्बेजो को वहाँ पर धमकाती है, अगर तुमने टेनिसन परिवार को छू भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं सकता। और वहाँ पर जोम्बेजो एनोनाइट फॉर्म देखता है तो डर के मारे भाग जाता है। ग्वेन बेन की मॉम को वहाँ पर बचा लेता है। जब केविन और बेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब बेन की मॉम सलामत होती है और इसीलिए वो सब लोग खुश भी हो जाते हैं। केविन ग्वेन को पूछता है कि जोम्बेजो कहाँ गया और ग्वेन कहती है कि अब से जोम्बेजो हमारे पीछे कभी भी नहीं पड़ेगा, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड की कहानी शुरू होती है। एक हिमालय दिखाई जाती है जहाँ पर येती होता है। येती फोरम्स को मार रहा होता है। डॉक्टर एनिमो येती को कंट्रोल कर रहा होता है और फोरम्स के साथ फाइट कर रहा होता है। डॉक्टर एनिमो सभी को बताता है कि मैंने डीवोल्यूशन बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है जिसकी वजह से अब सारी दुनिया का इंसान म्यूटेंट में बदल जाएंगे और अब सब लोग येती बन जाएंगे। बेन टेनिसन ये सब रोकने के लिए उसके साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ ग्वेन और केविन उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। दूसरी तरफ बेन टेनिसन फोरम से जीत नहीं पाता और वो ब्रेमस्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है। ब्रेमस्टोन की पावर यूज करते हुए येती को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यति अब बेन टेनिसन की कंट्रोल में। यहाँ पर यति की यूज करते हुए डॉक्टर एनिमो को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। बेन टेनिसन यति को वहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। ग्वेन एक प्लम्बर को बुलाती है और डॉक्टर एनिमो को लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन प्लम्बर बताता है कि असली प्रॉब्लम तो तुम्हारे शहर पर बेलबोर्ड पर है। तो ये सुन के सभी लोग यहाँ पर शॉक में आ जाते हैं और जल्दी से बेलबोर्ड पर निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बेलबोर्ड दिखाई जाती है। बेलबोर्ड में देखते हैं कि एक एलियन सभी को तहस नहस कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ये किसी को भी नुकसान नहीं करता। और वहाँ पर बेन टेनिसन उसकी टीम पहुँच जाते हैं और उस एलियंस को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन उस एलियंस बेंटन के साथ फाइट नहीं करता। वो एलियंस कुछ बात करने के लिए चाह रहा होता है। ये ग्वेन समझती है, अपनी प्लम्बर वैज से उसे ट्रांसलेट करती है और वो जो भी बोल रहा था उसकी भाषा उस सब लोग सुन लेते हैं। और वो एलियंस अपने नाम गैलिपेटस बताता है और वो कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बेन टेनिसन उसे पूरी कहानी बताने के लिए कहता है और वो बताता है कि मैं अपनी मर्जी से इस ग्रह पर नहीं आया हूँ, मुझे एक एग्रीगर नाम का शख्स ने यहाँ पर लेकर आया है। वो भी एक अस्मोसियन है। हम 5 लोगों को बंदी बनाकर रखा था जिसके उसके चंगुल से था हम छूट गए, लेकिन यहाँ पर हम आ गिरे। मैं एक अल्डेब्रा प्लांट से रहता हूँ। सभी लोग यहाँ पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ लड़ाई भी करना सीखी। तो आप बेन टेनिसन मुझे हेल्प करो और उसे एग्रीगर से बचाओ और मुझे अपने घर भी जाना है। और बेन टेनिसन एक प्लम्बर को बुलाता है और उस गैलिपेटस को घर जाने के लिए बता देता है कि इसे घर पर पहुंचा देना। और गैलिपेटस उस रॉकेट में बैठता है और वहाँ से निकल पड़ता है। जब रास्ते में जा रहा होता है गैलिपेटस उस प्लम्बर को धन्यवाद कह रहा होता है, तभी वो प्लम्बर पीछे घूर के देखते हैं कि वो होता है एग्रीगर। गैलिपेटस एग्रीगर को देख के शॉक में आ जाता है और एग्रीगर गैलिपेटस को वहाँ से लेकर चले जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की कहानी शुरू होती है। 3-4 लोग तिजोरी खोलने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर दिखाई देते हैं कि वहाँ पर एनर्जी होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। 5 एलियंस में एक वो भी एलियंस था जो अपनी सूट खोलने के लिए सभी लोगों को बुलाया होता है और वो सबसे ज्यादा इनाम भी दे रहा होता है। और इसीलिए वहाँ पर केविन भी शामिल होता है क्योंकि केविन को पैसा चाहिए होता है। सभी लोग अपने हथियार को यूज करते हुए उस सूट को खोलने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हथियार टूट जाता है, लेकिन वो सूट नहीं खुलता। और वहाँ पर एंट्री होती है केविन की और केविन अपनी टेटानाइट की टुकड़ी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस सूट में थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता है, जो देख के सब लोग शॉक में आ जाते हैं।
और एनर्जी को लगता है कि ये बंदा इस सूट को खोल सकता है। जब केविन थोड़ा सा स्क्रैच करता है तो केविन को पता चलता है कि यहाँ पर रेडिएशन है, तो इसीलिए साफ साफ इनकार करता है कि मैं इस तरीके से काम नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एनर्जी उसे रोक लेता है और सभी को कहता है अगर इसे पकड़ लिया तो मैं इससे भी ज्यादा इनाम दूंगा। तो सभी लोग केविन को वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। केविन इससे बार बार तो बच के निकल जाता है लेकिन उस टेरानाइट के टुकड़े वहीं पर गिर जाता है। एनर्जी को टेरानाइट के टुकड़े चाहिए होते हैं और वो टेरानाइट के टुकड़े नीचे गिरा होता है और उसे वो मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और बेंटनीसन और गोइन के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर केविन आके कहता है वो पांचों एलियंस में एक एलियंस मैंने अभी अभी देखा है, शायद उसको भी मदद करना चाहिए। लेकिन वो अपने सूट खोलने के लिए ट्राई कर रहा था, तो अगर वो सूट खोल लिया तो यहाँ पर रेडिएशन ज्यादा हो सकती है, तो ये खतरनाक भी है, तो हमें इसे रोकना होगा। और वो तीनों लोग उस सूट को रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। एनर्जी को ट्रेनाइट के टुकड़े मिल चुका होता है और इसीलिए वो अपने सूट को खोलने के लिए मशीन का यूज करता है, लेकिन मशीन वहीं पर टूट जाता है। एनर्जी का लगता है कि अब मशीन से ये खोल नहीं सकता, हमें केविन लाइब्रेरी चाहिए जिससे ये खोल सकता है। बेंटनीसन केविन लाइब्रेरी गोइन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस एलियंस को समझाने लगते हैं कि तुम अपने घर जाओ, लेकिन वो सुनता है नहीं। केविन लाइब्रेरी को यहाँ पर सभी लोग मिलके भड़काते हैं और उसे सबसे ज्यादा कमजोर भी कहते हैं, और उसके सामने जो गिरा हुआ ट्रेनाइट के टुकड़े थे वो सामने लेकर रख देते हैं। केविन लाइब्रेरी उस ट्रेनाइट के टुकड़े को एब्जॉर्ब कर लेता है और सभी लोग मिलकर केविन लाइब्रेरी को यहाँ पर भड़काने लगते हैं और उसे गुस्से में आ जाता है और वो एक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एनर्जी उसके सामने आ जाता है। जब केविन लाइब्रेरी उसे मार रहा था तो उसके सामने आने की वजह से वो सील खुल जाता है और एनर्जी बाहर निकलता है। एनर्जी ने अपनी फुल कंट्रोल पा ली है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वहाँ की सभी इलेक्ट्रिसिटी वो सोच लेता है। वो एनर्जी इतना पावर एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल बनता है। तो अगर ये फट गया तो अर्थ में कुछ दवाएं आ सकती है और इसीलिए बेंटनीसन इसे रोकना होगा। और बेंटनीसन कई बार ट्राई करता है इसे रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर बेंटनीसन कामयाब नहीं होता और लास्ट में उसे पता चलती है कि इसी सूट पर इसे बंद किया जा सकता है, तो इसे हम रोक सकते हैं। तो केविन लाइब्रेरी और बेंटनीसन मिलके इसे वही सूट पर डाल देते हैं। अब एनर्जी उसी सूट पर फिर से आ चुका है तो वो फुली कंट्रोल नहीं है। बेंटनीसन फाइट करते समय उस एलियंस की डीएनए भी अपनी अल्टीमेटिक्स में स्कैन कर लेता है। बेंटनीसन प्लम्बर को बुलाता है और एनर्जी को अपने घर पर छोड़ने के लिए कहता है, और प्लम्बर एनर्जी को घर पर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एग्रीगार उस शिप पर हमला करता है और उस शिप को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी को वहां से लेकर जाता है। तो ये एपिसोड यहाँ पर हो जाता है खत्म। तो अब नेक्स्ट एपिसोड, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्चिस दिखाई जाती है जो फॉरेनर्स के महल तक जा रहा होता है और वहाँ पर जाके कहता है कि अगर ये इंश्योरेंस करना है तो मुझसे करो, आपका महल कोई नहीं गिराएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। फॉरेनर्स यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, उसे वहाँ पर धमका कर वहाँ से भगा देता है। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर फॉरेनर्स की महल तहस नहस हो जाता है। ये चीज को देख के आर्चिस कहता है कि तुमने इंश्योरेंस नहीं करवाया ना, तो यहाँ पर आर्चिस के साथ इस फॉरेनर्स की महल तहस नहस होने में कुछ तो ताल्लुक है। नेक्स्ट सीन्स हमें दिखाई जाती है जहाँ पर बेंटनीसन सभी फैन से मिल रहा होता है, तो वो सभी स्मूदी के टेस्ट भी कर रहा होता है, वहाँ पर सभी फैन को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। तभी वहाँ पर फॉरेनर्स के कुछ आदमी आ जाते हैं, वहाँ पर सभी तहस नहस करके वहाँ पर सीधे जाता है और स्मूदी बनाने वाला मशीन को लेकर जा रहे होते। तभी बेंटनीसन इसको रोकने के लिए स्पायर मॉन्की में ट्रांसफॉर्म होकर उसे रोक लेता है, लेकिन वहाँ पर वो टेलीपोर्ट होकर उस मशीन को लेकर भाग जाते हैं। फॉरेनर्स को ये हरकत देख के वहाँ पर बेंटनीसन गोइन और केविन में कुछ अजीब लग रहा होता है। यहाँ पर इन तीनों ये सोचते हैं कि आखिर फॉरेनर्स की स्मूदी बनाने वाला मशीन क्यों चाहिए। तो ये सब की राज जानने के लिए वो जिमी के पास चले जाते हैं। जिमी वही लड़का है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में बेंटन की सारी पोल खोल दिया था, वही लड़के को पास चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जिमी को सब कुछ पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, और वहाँ पर फॉरेनर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। वहाँ पर उन लोगों को पता लगती है कि वहाँ पर फॉरेनर्स को कोई दबा कर रहा है और इसीलिए ये हरकत फॉरेनर्स कर रहे हैं, और फॉरेनर्स के महल तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन फॉरेनर्स के महल देखते कि वहाँ पर तहस नहस हो चुका होता है। बेंटनीसन कहता है कि ये किसी ने किया है, फॉरेनर्स को कोई दबा कर रहा है। सीन चेंज होता है, हमें रात को समय देखा जाती है जहाँ पर बेंटनीसन गोइन और केविन जा रहे होते फॉरेनर्स के अगले महल तक। सभी लोग वहाँ पर जैसे तैसे करके उस महल तक घुस जाते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर आर्जिट होता है, तो सभी फॉरेनर्स को गुलाम बना चुका होता है। ये चीज को देख के सब लोग वहाँ पर शॉक में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आर्जिट ने ये सब कैसे किया। केविन इलेवन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक एलियंस उसे रोक लेता है, वो एलियंस का नाम होता है एंड्रियस, वो आर्जिट का दोस्त होता है। और वहाँ पर केविन
नबुकदनेस्सर ऐसे धुलाई करता है जैसे वो वॉशिंग मशीन पर बैठा है। आर्चिट एंडियस के बारे में बेंटिनेशन कैबिन एरगोइन को कुछ बातें बता देता है कि एंडियस बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हवा के जैसा ये पत्थर के वार पार भी जा सकते हैं, ये भूकंप भी पैदा कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सभी फॉरेवर नाइट्स यहाँ पर गुलाम बनाए। आर्चिट बेंटिनेशन गोइन और कैबिन को वहाँ से दफा होने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर एक फॉरेवर नाइट्स एंट्री होती है और वो कहता है मैं फॉरेवर नाइट्स को यहाँ पर आजाद करने आया हूँ, और वो बताता है कि मेरा नाम है सर डायगोनेट। ये नाम सुन के सभी फॉरेवर नाइट्स एक दूसरे पर देखते हैं। आर्चिट कहता है कि मेरे पास इतने सारे फॉरेवर नाइट्स है, तुम अकेले हो, तुम हार सकते हो। सर डायगोनेट फॉरेवर नाइट्स के नाम लेते हैं, सभी फॉरेवर नाइट्स सर डायगोनेट की हुक्म मान लेते हैं और सभी लोगों को वहाँ पर गन पॉइंट करते हैं। ये चीज को देख के आर्चिट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो एलियंस भी यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेते हैं और एक जेल में लगे रख देते हैं। एंडियस को वहाँ पर मारने के लिए फॉरेवर नाइट्स लेके चले जाते हैं। आर्चिट बेंटिनेशन को कहता है कि अब एंडियस यहाँ पर मरने वाला है। ये सुन के बेंटिनेशन अपनी ओमनिटिक्स को यूज करता है और जेल को तोड़ के वहाँ से निकल जाता है। एंडियस के सामने पहुँच जाता है और एंडियस को वहाँ से छुड़ा लेता है और फॉरेवर नाइट्स से फाइट करने लगते हैं। फॉरेवर नाइट्स ये कहते हैं कि कोई भी एलियंस हमारी अर्थ पर नहीं आएगा, इसीलिए वो सारी एलियंस को मारना चाहते थे। यहाँ पर फॉरेवर नाइट्स और बेंटिनेशन की टीम के बीच यहाँ पर फाइट होता है। फॉरेवर नाइट्स यहाँ सभी लोग यहाँ पर जीत नहीं पाता और इसलिए वो एक बॉम्ब फिट करता है जिससे यहाँ का सभी इलाका वहाँ पर तहस नहस हो जाते हैं और एलियंस भी मर सके, और इसलिए वो बॉम्ब फिट वहाँ पर कर देता है और टेलीपोर्ट होके वहाँ से भाग जाता है। ये कैबिन भी देखता है, कहता है कि अब ये बम फटने वाला है जिससे यहाँ के सभी ब्लेज तहस नहस हो जाएंगे। वेंटिनेशन सोम फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और इसलिए कहता है कि मैं इसे लपेट के यहाँ पे बचा सकता हूँ। कैबिन 11 कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। एंडियस सभी को बचाने के लिए वो बम अपने ऊपर ले लेता है और जमीन के नीचे धस जाता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बम फट जाता है जिससे यहाँ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन एंडियस यहाँ पर मर जाता है। ये चीज को देख के कैबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्जिट को जाके आर्जिट को पीटने लगता है कि तुमने उसकी मासूम का फायदा उठाया और उसे मारने दिया, और आर्जिट कहता है कि तुम अजीब हो इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं सकता, और वहाँ से चला जाता है। वेंटिनेशन गोइन और कैबिन बताते हैं कि एंडियस ने हमें बचाया, हमें नहीं सभी को यहाँ पर बचाया है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हमें एग्रीगॉर्ड दिखाई जाती है जो अर्थ पर आया होता है और वही धमाके के अंदर वो ढूंढ रहा होता है एंड्रियस को, और एंड्रियस को मिल भी जाता है। एंड्रियस यहाँ पर अब तक मरा नहीं होता, इतने ब्लास्ट होने के बावजूद भी एग्रीगॉर उसे उठा लेता है और अपने शिप में लेकर चले जाता है। यहाँ पर एग्रीगॉर ने चार एलियंस को इकट्ठा कर चुका होता है, अब बाकी रह गया है एक एलियंस। तो ये एपिसोड होता है यहीं पर खत्म। तो इसके बाद वाला कहानी जानना है तो इस वीडियो को जरूर से एक बार लाइक करना, ये पार्ट वन है और इसके पार्ट टू भी आएगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तब नीचे लाइक करना और कमेंट में बताना कि ये सीजन वन की एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, तो नीचे लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। साइनिंग आउट अनएक्सप्लेन्ड।